नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर ये स्क्रीनशॉट देखिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का, वरना आप लोग क्या है वीडियो पर भरोसा नहीं करेंगे, बोलेंगे फेक जानकारी। ऐसे स्क्रीनशॉट मेरे पास कई किसानों के हैं जो ट्रांसफार्मर योजना लगने को लेकर काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। आज इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना को लेकर, और योजना में अब किसानों को मैसेज मिलना शुरू हो गया है जो किसान पात्र हैं। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना 2023 जो सितंबर 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई थी, जिसको लेकर आज भी किसानों के मन में कई सवाल है। एक एक करके सभी सवालों का जवाब देंगे, वीडियो पूरा अवश्य देखें, आधा अधूरा अगर आप देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें, क्योंकि इस चैनल पर आपके काम के वीडियो आते रहते हैं और उनसे आपको बहुत मदद मिलती है। वीडियो को लाइक करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, ताकि कोई नया वीडियो मैं लाता हूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को तुरंत देख सकें। इस वक्त सभी किसानों के मन में यही सवाल चल रहा होगा कि योजना बंद हो गई है या फिर बंद होने जा रही है। मेरा जवाब है, अगर योजना बंद होती तो जिन किसानों का आवेदन हुआ है उनको बिजली विभाग की तरफ से ऐसे मैसेज नहीं मिलते जो मैंने आपको वीडियो शुरू करने से पहले स्क्रीनशॉट दिखाए। ऐसे कई किसानों के मेरे पास स्क्रीनशॉट हैं व्हाट्सएप पर, मैं ज़्यादा स्क्रीनशॉट अगर शेयर करता तो ये वीडियो 15 से 20 मिनट की होती, इसीलिए मैं इसे सिर्फ 8 मिनट का बना रहा हूँ। अगला जो मेरा सवाल है, जो किसानों का सवाल है वो ये है, जिन किसानों को मैसेज मिला है उनका ट्रांसफार्मर कब लगेगा। ऐसा कई किसानों के मन में सवाल चल रहा है, तो इसका जवाब है सितंबर या अक्टूबर माह में इस समय खेत खाली होना शुरू हो जाएंगे। अगला जो सवाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हटने के बाद ट्रांसफार्मर योजना भी बंद हो गई, ये किसानों का सवाल है और काफ़ी किसानों का सवाल है, कमेंट आता रहता है हमारे हर वीडियो पर। ऐसा नहीं है, वो मुख्यमंत्री से भी बड़े पद पर हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री बन गए हैं और अब कृषि क्षेत्र की पूरी कमान उनके हाथों में है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं इस योजना को लेकर। अगला जो सवाल है हमारे किसान भाई का वो क्या है, क्या इस योजना का दूसरा चरण शुरू होगा, क्या फिर से आवेदन भरे जाएंगे। इसका जवाब है हाँ, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री है और वो अपने खुद के द्वारा शुरू की गई कोई भी योजना कभी भी बंद नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं करेगा, वो चाहे किसी भी बड़े पद पर हो या मुख्यमंत्री हो। अगला सवाल है, क्या मध्य प्रदेश सरकार इस योजना में पात्र किसानों की लिस्ट सार्वजनिक करेगी, जिन किसानों ने आवेदन किया हो और उनका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। इसका जवाब है हाँ, हो सकता है सार्वजनिक करे लिस्ट, लेकिन इसकी सरकार को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो ऐसा वो नहीं भी कर सकती है। अगला जो सवाल आता है वो क्या है, ट्रांसफार्मर अनुदान योजना में सभी पात्र किसानों को अलग अलग एस्टिमेट बनाकर दिया जाएगा। इसका जवाब है हाँ, क्योंकि खेत और लाइन से ट्रांसफार्मर की जो दूरी है उसी की वजह से अलग अलग एस्टिमेट बनाकर दिए जाएंगे। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है इस योजना को लेकर, जब योजना बंद नहीं करनी थी तो क्यों इसका मध्य प्रदेश के बजट में जिक्र नहीं किया गया, और अब इस योजना का मध्य प्रदेश सरकार यानी कि मध्य प्रदेश बजट में जिक्र नहीं किया गया, इसको लेकर काफ़ी किसानों का मैसेज आ रहा है कि सर आप कह रहे थे कि बजट में कुछ भी नहीं कहा गया ट्रांसफार्मर योजना को लेकर तो ये योजना बंद हो गई, तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि योजना चालू रहेगी। तो इसका जवाब है, बजट में इस योजना का कोई लेना देना नहीं है बजट से। जब इस योजना को 20 सितंबर 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू किया गया था तब कौन सा बजट लागू हुआ था या कौन से बजट की बात चल रही थी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बजट से इस योजना का कुछ लेना देना नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए कहा था, बजट का जिक्र क्यों किया था कि हो सकता है कि बजट को लेकर इस योजना में कुछ नए सिरे से यानी कि इस योजना को नए सिरे से लागू करके कोई सा जो अगला चरण है दूसरा चरण उसे शुरू कर दिया जाए, क्योंकि बजट आता है सरकार की जो भी योजनाएं हैं या मध्य प्रदेश में जो भी काम होगा उसको लेकर एक बजट निर्धारित किया जाता है अलग अलग श्रेणी को लेकर कि इस योजना या इस काम के लिए सरकार इतना पैसा लागू कर रही है। उसके बाद बात करें तो सभी किसानों से मेरा ये निवेदन है कि उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि जब केंद्र में कृषि मंत्री के पद पर शिवराज सिंह चौहान हैं तब तक
इस योजना को कोई बंद नहीं कर सकता है, ऐसा उन्होंने पहले भी कहा है। वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, मुख्यमंत्री पद उन्होंने छोड़ दिया उसके बाद भी ये कहा है और वो कहते रहे हैं। और जल्द ही इस योजना का जो दूसरा चरण है वो भी मोहन यादव सरकार को शुरू करना पड़ेगा। आप सोशल मीडिया की जो ताकत है उसे कम मत समझिए। इस वीडियो को इतना शेयर जरूर करें, मेरा आपसे निवेदन, हाथ जोड़कर इतना फैलाइए ताकि ये वीडियो मुख्यमंत्री मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान तक पहुंच जाए, क्योंकि इस योजना को लेकर मैं करीब 1.5 साल में 10 से 12 वीडियो बना चुका हूं। आप लोग भी मुझे जानते होंगे, जब मेरा पहला वीडियो वायरल हुआ था वो मुख्यमंत्री ट्रांसफर अनुदान योजना को लेकर था, तो इसलिए मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है और आप भी उम्मीद मत छोड़िए। जितना भी आपसे हो सके, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है या सोशल मीडिया, फेसबुक या अन्य जो संसाधन है आप चलाते हैं, वहाँ पर इस वीडियो को किसान भाइयों के पास शेयर जरूर करें। और पर्सनली भी आप किसानों से बातचीत करिए कि ट्रांसफार्मर योजना अभी बंद नहीं हुई है। बिजली विभाग अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी बातचीत करते रहिए, आप उम्मीद मत छोड़िए। जहाँ भी किसान बंधु एक दूसरे से जुड़े हो वहाँ इस वीडियो को जमकर शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से होगा क्या, जो हमारे अन्य किसान भाई हैं उनकी उम्मीद ना टूटेगी और वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये योजना शुरू हो, और मैं भी यही चाहता हूँ ताकि और आगे मैं आपको अच्छे से इस योजना को लेकर अपडेट दे सकूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये योजना अभी बंद नहीं हुई है, अगर बंद होती तो ऐसे जो किसान मेरे पास व्हाट्सअप कर रहे हैं या स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि सर हमें एस्टीमेट का मैसेज आ गया, इतना पैसा जमा करने का बोल रहे हैं, बिजली विभाग वाले फ़ोन आया है, तो उन लोगों को ये एस्टीमेट बनकर मैसेज नहीं दिया जाता। और रही बात दूसरे चरण की, तो वो भी क्लियर हो जाएगा जुलाई के एंड में या अगस्त के स्टार्टिंग में, क्योंकि योजना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही लाभदायक है किसानों के लिए। और सरकार भी चाहती है कि जितने ज़्यादा ट्रांसफार्मर खेतों में लगेंगे पर्सनली किसानों के, उतनी ज़्यादा जो बिजली सप्लाई में बढ़ोतरी मिलेगी, वोल्टेज की समस्या में सुधार आएगा, क्योंकि जहां एक ट्रांसफार्मर पर 10 किसान लगे हुए हैं वहीं अगर पर्सनली 2 या 3 किसानों के बीच एक ट्रांसफार्मर लगेगा तो उससे बिजली व्यवस्था भी सुचारू रूप से मिलेगी, वोल्टेज की समस्या दूर होगी। तो इसी तरह से इस मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना जो कि ट्रांसफार्मर अनुदान योजना है, इसे शुरू करने का जो मकसद है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, वो सही है। और इसको लेकर कई किसान संघ भी पहले ज्ञापन दे चुके हैं और लगातार मैं इसको लेकर वीडियो बनाता रहता हूँ इसके अपडेट को लेकर। तो आप लोग उम्मीद ना छोड़िए, ये योजना आगे जरूर चलेगी और इसका दूसरा चरण भी शुरू होगा। इसके बाद अगर बात करें तो मेरे पास कई ऐसे स्क्रीनशॉट अभी भी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप उस पर कॉल ना करिए, सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझसे बातचीत कर सकते हैं। और जल्दी मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाऊंगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। 20 सितंबर 2023 को कुशा भाऊ ठाकरे सभागार भोपाल से इस योजना का शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था, और हो सकता है कि 20 सितंबर के आसपास इस योजना को लेकर फिर से कोई नया अपडेट मैं आपके सामने पेश करूं। इसको लेकर हो सकता है मुख्यमंत्री मोहन यादव दूसरा चरण शुरू करें। तो वीडियो को शेयर जरूर करें।